हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सम रूल और सब्ट्रैक्शन रूल के बारे में। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे डिफरेंशिएशन में टोटल कितने फॉर्मूले यूज होंगे। आप भी इन फॉर्मूलों की लिस्ट क्या करिए, प्रिपेयर करिए, बहुत अच्छे से बहुत इत्मीनान से हम लोग इसको पढ़ेंगे, है ना। तो जो सबसे पहला फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी लिखवा दिया है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज़क्वल टू एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। सेकेंड फार्मूला इसी से रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कोई अगर केवल एक्स हो, बेटा क्या हो, केवल एक्स हो तो इसको हम वन लिख लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज होगा। थर्ड फार्मूला हमारा है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ अगर कोई कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन बेटा जीरो होता है। ये सारे के सारे फार्मूले हमको याद होने चाहिए। फोर्थ फार्मूला डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है। एक जगह मेंशन कर लें, एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से बताएंगे। नेक्स्ट वन इज़ द डी वाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग ई बोलें या एक्स बोलें, एल एन एक्स बोलें, दोनों बात बराबर हैं, वही है। इसका होता है वन अपान एक्स। यहाँ कुछ ना लिखा जाए तो बेस ई माना जाता है, ठीक ना। फिफ्थ फार्मूला हमारा जो होता है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, ये भी एक्सपोनेंशियल में ही आते हैं, ए टू द पावर एक्स लॉग ई टू द बेस ए, क्लियर ना। सिक्स फार्मूला जो हमारा होता है बेटा वो ये होता है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज्क्वल टू कॉस एक्स, क्लियर ना। नेक्स्ट फिर से हम आते हैं, डिस्कस करते हैं अगला जो भी है हमारे पास, है ना। तो सेवेंथ, ठीक, सेवेंथ फार्मूला डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको भी याद होने चाहिए। इसका होता है माइनस साइन एक्स। जो हमारा एट्थ फार्मूला होता है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स, टैन का होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट हमारा जो होता है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का क्या होता है बेटा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो होता है टेंथ, डी वाई बाई, अरे सॉरी यहाँ वाई नहीं रहेगा बेटा, डी वाई डी एक्स ऑफ नेक्स्ट वन इज द टेन सेक कॉट कॉट एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इलेवेंथ हमारा होगा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स का जो होता है माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। तो इतने फार्मूले हैं जो कि आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो इतने फार्मूलों की लिस्ट आप बना लें, दो से एक से दो बजे जैसा कि हमने पहले भी बोला, आप वहाँ पे छोड़ें और इसको प्रॉपर लिखते चले जाएं, ठीक ना। इसमें कोई लापरवाही नहीं है ना, तो इसको प्रॉपर करते चले जाएं अच्छे से। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं सम रूल और डिफरेंस रूल। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको लिखवाना चाहूँगा इसका जो फॉर्मेट होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए बहुत ढेर सारे फंक्शंस हैं, है ना, वो ऐड हैं या सब्ट्रैक्ट हैं, जो भी है बेटा, है ना, एंड सो ऑन। तो डिफरेंशिएशन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इनमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, इनको हम अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। और साइन क्या रखते हैं, प्लस है तो प्लस के साथ, माइनस है तो माइनस के साथ, है ना, जो जैसा साइन है वैसा हम रखते चले जाते, क्लियर ना, एंड सो ऑन। चाहे जितने होंगे, चाहे जितने होंगे। अब यहीं पे हम एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मैंने दिया y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, है ना। अभी अभी हमने बताया आपको कि डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का हमको याद होना चाहिए। कॉस एक्स होता है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक ना। तो आई होप आप फार्मूले याद करते जा रहे हैं, तो फार्मूले याद करते जाइए, ठीक ना बेटा। तो चलिए यहाँ से अगर हम इसको डी वाई बाई डी एक्स लिखें बेटा, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये पहले तो एक लाइन ये लिखना चाहिए, बाई
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, आप लोग पूरा लिख लेना। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो बेसिक है ये सिंबल dy/dx दोनों साइड हम लगा देते हैं। तो चलिए लगा दिया भैया, इधर क्या था sin x प्लस cos x था, क्लियर ना। अब यहाँ क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो dy/dx हम sin x का अलग से करेंगे, प्लस बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस लगेगा, dy/dx ऑफ cos x का अलग से करेंगे, क्लियर ना। अच्छा आगे हमारी प्रैक्टिस होगी तो हम डायरेक्ट भी करेंगे, बट अभी सीख रहे हैं हम। तो ये sin x होगा, तो sin x का डिफरेंशिएशन वहाँ से ध्यान से देखिए क्या होता है, हमारा cos x होता है, बीच में बेटा हमारा प्लस है और cos का है क्या बेटा माइनस। अब आप कहोगे सर जी ब्रैकेट क्यों लगाए, बेटा क्योंकि माइनस होता है ना, तो अगर साइन निगेटिव आ रही है तो आप जरूर ये सब चीज़ें करें, ब्रैकेट लगाएं, दो टर्म मिले तो ज़रूर ब्रैकेट लगाएं, क्योंकि तब जानते हैं क्या होता है कि क्वेश्चन गलत नहीं होता है ना, गलती के चांसेस यहीं पे होते हैं। आप प्लस माइनस में गलती करते हो, आपको सब आता है, 11th 12th आता है आपको, है ना। आपको कहाँ मिस्टेक करते हो, 6th 7th की चीज़ों में। तो प्लीज़ बेटा यहाँ पे आप मेंशन करें इसको, है ना, क्लियर। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, ये कॉस एक्स ही रहेगा बेटा, ये माइनस इंटू प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स, दिस इज योर आंसर, क्लियर ना। नेक्स्ट चलें अगला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन हमने दिया जैसे वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस साइन एक्स, माइनस कर लेते हैं, मैं दो ले रहा हूँ चाहे जो हो, dy/dx ऑफ e टू द पावर x का मैंने क्या बताया बेटा, e टू द पावर x ही होता है। तो इसको पहले तो ये लाइन लिखेंगे बाय डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, आप लोग कंप्लीट लिखेंगे। तो यहाँ बेटा dy/dx होगा, यहाँ क्या हो जाएगा इक्वल टू लगेगा, इक्वल टू में यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, e टू द पावर x, सॉरी dy/dx e टू द पावर x माइनस साइन x, यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। अभी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम डायरेक्ट भी करना करेंगे इसको, dy/dx e टू द पावर x माइनस dy/dx साइन x बेटा, क्लियर ना। तो e टू द पावर x का क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। अच्छा अब जब आप फॉर्मूले पे इम्प्लीमेंट कर देते हो, फार्मूला अप्लाई कर देते हो, तो ये चीज़ें हट जाती हैं, मतलब ये dy/dx ये फिर ऑपरेटर हट जाता है, फॉर्मूला लगाने का मतलब आपने डिफरेंशिएट कर दिया, वो प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट कर दी, यानी अब इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑपरेटर, ये जो भी लगा है dy/dx, समझ गए ना, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हमने दिया आपको y इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस साइन x प्लस टेन x माइनस 3, क्लियर ना। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दिया है by differentiating with respect to x, तो यहाँ से सबसे पहले क्या लगाएंगे dy/dx, है ना, इधर भी लगाएंगे dy/dx e टू द पावर x प्लस साइन x प्लस टेन x माइनस 3, फिर क्या करेंगे बेटा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी मैं भी डायरेक्ट करूँगा, प्लस बेटा dy/dx ऑफ टेन x माइनस dy/dx ऑफ 3, सॉरी, ठीक ना। तो यहाँ से ध्यान से देखें क्या हो जाएगा, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है बेटा, साइन x का क्या होता है cos x होता है, डिफरेंशिएशन वहाँ लिखा है, टेन x का बेटा प्लस sec स्क्वायर x होता है, 3 का क्या हो जाएगा बेटा 0, क्योंकि हमने बताया ना किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, क्लियर ना। तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, y इज इक्वल टू log x प्लस cos x, है ना। तो इसका डायरेक्ट dy/dx सबसे अच्छा एक लाइन एक और कर लेते हैं, बाई डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से बेटा इस तरीके से हो जाएगा, ये ऑपरेटर हम दोनों साइड लगा देंगे, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो dy/dx ऑफ log x, है ना, अब प्लस dy/dx ऑफ cos x, क्लियर बेटा। तो यहाँ ध्यान से देखो log x का क्या होता है, अभी अभी हमने लिखा है 1/x, है ना। देखें आप अगर फार्मूला लिखे हैं तो अपना पेज पलट के देखें बेटा, log x का डिफरेंशिएशन क्या लिखे हैं 1/x, और cos का क्या होता है बेटा माइनस
साइन एक्स है ना, तो वन अपॉन एक्स प्लस माइनस साइन एक्स, क्लियर ना आंसर। तो आपको इस तरीके से आना चाहिए। अब हम कुछ रिजल्ट हम लोग देखते हैं और डायरेक्ट हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उन पे, क्लियर। जो फॉर्मूला हमने लिखा है शुरू में प्लीज़ आप लिख लीजिए, क्योंकि बहुत बार यूज होगा, पेज पलट के आपको देखना पड़ेगा बार बार, है ना। तो मैं तो कहूँगा उसको एक अलग पेज में लिख करके अपने सामने ही रख लें, है ना, भी रख लें, मतलब कि आपके नोट्स में होना चाहिए एक और अलग पेज में। तो जब तक प्रैक्टिस कर रहे हैं आप वीडियोज़ देख देख के, तब तक उसको लगाते जाएंगे, देखते जाएंगे, तो आपको आता जाएगा, है ना। क्योंकि एट इंस्टेंट किसी को नहीं याद होता, हमको भी नहीं याद हुआ था, क्लियर ना, आपको हो जाए तो अच्छी बात है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, जैसे फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वाई इज इक्वल टू हमने दे दिया एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको भैया स्क्वायर स्क्वायर टाइप में भी हमने पढ़ा ही नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, या ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, टू टू जा फोर एक्स, क्योंकि एक टू फॉर्मूले में था, और प्लस फोर, उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्रैकेट खोलना आ रहा है। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बेटा, तो सबसे पहले तो एक बार ये सिंबल तो ज़रूर लगाएं बेटा, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, क्लियर ना। तो सबका इंडिविजुअल करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स का टू एक्स। बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कराई है प्रीवियस लेक्चर में, ठीक, तो उसको भी देखें। इसका क्या हो जाएगा, फोर एक्स, तो फोर बस हो जाएगा, क्लियर ना। ध्यान से देखें, अगर आपको फार्मूला मेंशन करना हो तो कर लें, डी वाई बाई डी एक्स ए एक्स, केवल कांस्टेंट का क्या हो जाता है, ए हो जाता है बेटा, क्लियर ना, ठीक। और इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से टू एक्स प्लस फोर, क्लियर। सिक्स क्वेश्चन, जैसे हमने दिया वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉड एक्स प्लस टेन एक्स, है ना। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स बेटा कैसे निकालेंगे, तो एक बार हमको तो सबसे पहले ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर देना है ना, साइन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस टेन एक्स, है ना। यहाँ से साइन का क्या होता है बेटा, कॉस एक्स, आपको याद होना चाहिए फॉर्मूले। अब कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्योंकि डायरेक्ट आपकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। यहाँ से ध्यान से देखो, कॉट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और टेन का क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स, है ना। तो जिसमें नेगेटिव था उसमें हमने एक ब्रैकेट लगा लिया, एक लाइन थोड़ा बढ़ जाएगी, बट हमारा कैलकुलेशन थोड़ा क्लियर रहेगा, गलती होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, ठीक ना, सेक स्क्वायर, क्लियर। तो आई होप आपको भी आता होगा ये सब चीज़ें, ऐसे करिए। तो नेक्स्ट करते हैं, वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस थ्री लॉग एक्स, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से ध्यान से देखो, तो डी वाई बाई डी एक्स पहले तो एक बार ऐसे फार्मूला लगा लें, साइन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ थ्री लॉग एक्स, क्लियर ना। तो साइन का क्या हो जाएगा हमारा, कॉस एक्स, और यहाँ से ये थ्री तो बाहर आ जाता है बेटा, कोई भी कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई मैं बता रहा हूँ मल्टीप्लाई में, तो उसको आप डिफ्रेंसिएशन के बाहर ले सकते हो, ठीक ना, थ्री लॉग, और लॉग का क्या होता है बेटा, वन अपॉन एक्स। तो दिस इज आंसर क्या होगा बेटा इसका, थ्री बाई एक्स, कॉस एक्स प्लस थ्री बाई एक्स। एक और सवाल इसी से रिलेटेड लेते हैं हम लोग, जैसे हमने दिया यहाँ पे फाइव ई टू द पावर एक्स प्लस सेवन टेन एक्स माइनस एट कॉट एक्स, क्लियर ना। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइव ई टू द पावर एक्स, है ना, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, प्लस डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि सब पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक लाइन मैंने कम किया है, माइनस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एट कॉट एक्स, क्लियर ना। यहाँ ध्यान से देखो बेटा, हमने क्या बोला, ये फाइव बाहर आ जाएगा, जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है उसको आप बाहर ले सकते हो, आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। सेवन यहाँ से बाहर आएगा, टेन एक्स, और यहाँ से माइनस एट, एट यहाँ से बाहर आएगा, और यहाँ से कॉट एक्स, क्लियर ना। तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा बेटा, तो
मैं इधर लिख देता हूँ, मेरे पास इधर जगह नहीं है। क्लियर? तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा, ये देखिए इधर, तो होगा 5e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, 7 tan x का क्या होता है बेटा, sec² x होता है, और -8 cot का क्या होता है बेटा, -cosec² x होता है। क्लियर ना? तो एक एक लाइन बचाने के लिए आप अपना पूरा कैलकुलेशन ना खराब करें, स्टार्टिंग में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रॉपर करना सीखें, है ना, प्रॉपर करिए। ऐसा नहीं है कि भाई हम थोड़ा जल्दीबाजी में पढ़े, नहीं, जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है ना। वाई स्क्वल टू बेटा कितना, कुछ भी ले लें, 5 log x + 7 x की पावर 8 + 1/8। क्लियर ना? थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का सवाल। तो dy/dx बेटा लेंगे बाय डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये लाइन आपको मेंशन करनी है, लिखते जाना। तो यहाँ से dy/dx क्या हो जाएगा बेटा, 5 log x + 7 x टू द पावर 8 + है ना, 1/x टू द पावर 8। अच्छा, इसका तो मैंने एक स्पेशल फार्मूला भी लिखवाया था, डायरेक्ट नहीं है याद तो फार्मूला, कोई बात नहीं, आप अगर वीडियो लेक्चर फॉलो करें हो तो अच्छी बात है। तो ये बेटा सब अलग अलग हो जाएंगे, है ना, सब के सब अलग अलग डिफरेंशिएट होंगे, ठीक ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक, तो अच्छा, इसके भी बारे में हम लोग बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग केवल और केवल डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से बेटा कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, है ना, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, चलो एक लाइन लिख लेता हूँ, क्या फायदा, log x, है ना, प्लस बेटा यहाँ से 7 बाहर आएगा, इसका तो मैंने डायरेक्ट बताया था, आप कर भी सकते हैं, ना भी लें तो भी, क्योंकि प्रोडक्ट पावर और कोफिशेंट को मल्टीप्लाई करके भी आप लिखा निकाल सकते थे, कोई बात नहीं, ऐसे एक बार करा देता हूँ। इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा तो क्या करिए, ऊपर ले जाइए इसको, या तो आप फॉर्मूला जो हमने लिखा है याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो ऊपर ले जाके सॉल्व कर लीजिए बेटा। कॉन्स्टेंट्स कोई मतलब नहीं होता, 5 बगल में आ जाएगा, ये 1/x होता है लॉग का, प्लस ये बेटा पावर और कोफिशेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 7 56 x, और एक पावर क्या होती है, घट जाती है। प्रीवियस लेक्चर अगर आप अच्छे से फॉलो किए होंगे तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आ रही होगी, ये बेटा पावर यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो -8 हो जाएगा, और एक पावर फिर से माइनस करेंगे तो -8 -1। क्लियर ना? तो 5/x, इसको पढ़ने के लिए आपको पहला लेक्चर यानी सिस्टमेटिक पढ़ना होगा बेटा। ये सोचो कि आप आधे से पढ़ के बीच से कोई लेक्चर उठाओ समझ में आ जाए ना, इम्पॉसिबल, थोड़ा टाइम दे दो यार और तब समझ में आएगा। -8, अभी -9 होगा, नीचे चला आएगा, x की पावर 9 हो जाएगा। कहोगे कैसे गुरु जी, तो ऐसे -8 -1 था तो x की पावर -9 हुआ, और कोई भी ये फार्मूला आपने पढ़ा है, a^-n = 1/a^n, तो यहाँ 1/a^n 9 हो जाएगा, सॉरी x^9, और डिनोमिनेटर में लिख लिया है ना। तो क्लियर, ये हमारा आंसर हुआ। तो ठीक, आई होप आपको सम प्रोडक्ट रूल अच्छा, सॉरी सम और सब्ट्रैक्शन रूल अच्छा समझ में आया होगा, आगे आप अच्छा करेंगे।